हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे तमिल मूवी जेल को, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेल ये मूवी कुछ ही दिन पहले थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, और हाँ ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक मूवीज़ देखना पसंद आती हैं जिनमें आपको कॉमेडी का थोड़ा बहुत तड़का देखने को मिले, तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है करुणा नाम के एक लड़के की, जो कि एक छोटा मोटा क्रिमिनल रहता है। लेकिन उसके लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब जिस स्लम में वो रहता है वो रीसेटलमेंट के लिए चली जाती है, और उसके बाद करुणा की लाइफ में आगे क्या क्या होता है, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ब्लेवरी लगा, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, और हमें बताया जाता है कि करुणा और उसके दोस्त के बीच में क्या हुआ है और किस तरह का रिफ्ट इन दोनों के बीच में आ गया है, वो सब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सारी चीज़ों को ऐसा लिखा गया था कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली डाली गई हैं ताकि हम इस मूवी को आगे देखने के लिए क्यूरियस हो जाएं, लेकिन हम नहीं हो पाते हैं, जो कि एक बुरी बात है। और फिर जिस तरह से ये मूवी आगे बढ़ती है और अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, वो एज ए स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन जिस तरह से वो लिखा गया है वो मुझे बिलो एवरेज लगा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को उस तरह से नहीं लिखा गया जिसके कारण हम वो चीज़ें फील कर पाएँ जो राइटर और डायरेक्टर हमें फील कराना चाहते हैं। और उसके ऊपर से जो बीच बीच में डबल मीनिंग कॉमेडी और डायलॉग्स आते हैं वो भी हमें इस मूवी के साथ थोड़ा और डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मूवी एक हार्ड हिटिंग स्टोरी लाइन पर बनाई गई है, लेकिन जिस तरह से इसका एग्जीक्यूशन किया गया है वो पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। और जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो इस मूवी में आपको कुछ बेसिक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी ट्विस्ट ऐसा नहीं है जो आपको पूरी तरह से हिला दे, और आप इस मूवी के लगभग सारे ट्विस्ट को काफ़ी आसानी से प्रेडिक्ट करते चले आओगे, और आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि ये मूवी आगे जाके कैसे एंड होने वाली है, जिसके कारण आप इस मूवी में किसी भी वक्त पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स को थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को बस बेसिक लेवल तक ही डेवलप किया गया है, जिसके कारण हम इन कैरेक्टर्स के बारे में उतना नहीं जान पाते हैं जितना हमें जानने की इच्छा रहती है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स रहते हैं वो भी थोड़े रूटीन हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपको इस मूवी को देखने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस मूवी का ठीक ठाक ही है, क्योंकि टेक्निकली डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन एक ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से ये डायरेक्शन बिलो एवरेज है, और जो एडिटिंग है वो भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हार्ड हिटिंग स्टोरी लाइन पर मूवीज देखना पसंद आती हैं जिनमें आपको थोड़े बहुत कॉमेडी पंचेस देखने को मिले हैं, तो शायद आपको ये मूवी पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो और आपको मूवी की स्टोरी के साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन को भी देखने में मजा आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मूवी कुछ खास पसंद आने वाली है। तो आपको ये मूवी देखनी या नहीं ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।